होते हैं ये बिजनेस वॉल्यूम। आईएमसीएफ प्लान किस पे है? ये होता क्या है? मैडम कैसे ये पॉइंट आया कैसे? बात ये बात है, ये बिजनेस वॉल्यूम हम बोलते हैं कि पॉइंट्स होते हैं। आप भी जुड़े हो ना एमसी में सर, पॉइंट्स होते हैं या कंपनी का प्लान ही बिजनेस वॉल्यूम है। ये बिजनेस वॉल्यूम क्या है? जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करती। और कोई किसी को पता है? देखो मैडम एक आपको सबको पता है कोई कंपनी जेब से नहीं बांटती, टर्नओवर से बांटेगी ना। तो आईएमसी का टर्नओवर हो कैसे रहा है जो कंपनी इतना बांट देती है? आज बाकी लोग भी तो कंपनी चला रहे हैं ना। आज जैसे लक्स साबुन की बात करता हूँ मैं, तो लक्स साबुन अगर 40 रुपए का आता है आपके पास, तो क्या 40 रुपए बन रहा है भाई? 10 रुपए बनता था फैक्ट्री में भाई, 30 रुपए 20 के लोगों में बढ़ गए। लेकिन कंपनी इतना जितना ग्रोथ आईएमसी कर पा रही है, लक्स क्यों ग्रोथ कर रही है इतना? क्योंकि आज इसमें एक चीज और आती है, एडवर्टाइजमेंट। हर कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है ना, आईएमसी कभी करती है? क्यों? आईएमसी बोलती है एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? खुद करेगा। तो आईएमसी जो बिजनेस फंड देती है वो एडवर्टाइजमेंट में देती है। अगर किसी को आपको नए बन से तो बताना कि बिजनेस वॉल्यूम क्या है, तो देखो मैं आपको इसको थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले बिजनेस वॉल्यूम करता हूँ क्या होता है। आज क्या है, दो तरह की फील्ड चलती है इंडिया में, दो तरह की फील्ड। एक चलती है ट्रेडिशनल फील्ड, ट्रेडिशनल फील्ड या बोलो ट्रेडिशनल बिजनेस वॉल्यूम जो बोलना चाहे। जैसे ज्यादा लोग कौन सा साबुन लगाते हैं? लक्स लक्स लगाते हैं, लक्स की बात। ये एग्जाम्पल मान लो 40 रुपए का लक्स साबुन लगाते हैं भाई, लक्स साबुन कहाँ से लाते हो आप? शॉप से। शॉपकीपर कहाँ से लाता होगा? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता होगा? फैक्ट्री में 10 रुपए का साबुन बन रहा, आपके पास कितने का पहुंचा? 30 रुपए का आ गए, 20 रुपए आ गए, आपका क्या फायदा होगा? 30 रुपए क्यों दे देंगे? प्लस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बताएंगे बिल्कुल ठीक है, प्लस एडवर्टाइजमेंट। आज ऐश्वर्या राय लेती है दीपिका पादुकोण, इस पर एडवर्टाइजमेंट करती है, कितना मानते हो? 1 रुपए में एडवर्टाइजमेंट थोड़ी करेगी, कम से कम 1 करोड़ तो फोटो लेती होगी ना। 1 करोड़ का चलो मैं मानता हूँ। अब मुझे वो बताना, आई ये तो हो गई, इनसे बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम करते आ रहे थे, करते आ रहे हैं और करते आएंगे शायद। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग अब आ रही है, क्या पता कम यूज है खत्म यूज है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है सुनना, डायरेक्ट सेलिंग का सबको पता है। डायरेक्ट सेलिंग में सीधा कहाँ से होते हैं? फैक्ट्री से। आप यानी कि आप हो और ये फैक्ट्री है, कंपनी है। 10 रुपए का साबुन कितने में पहुंचेगा? 40 नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो 30 रुपए का था प्लस एडवर्टाइजमेंट था, वो कंपनी बांटेगी नेटवर्क में। अब कैसे बांटेगी बेटा? आईएमसी का प्रॉफिट लेवल कितना डिस्काउंट देती है लगभग आईएमसी? इतना। तो ये तो हो गया डिस्काउंट में आपका 30 रुपए डिस्काउंट में। अब ये कहां गया, क्या बचा लास्ट? ये एडवर्टाइजमेंट का पैसा कैसे बांटती सुनता। अब मुझे को बताओ, अपन अपने पास एक 10 सेब, 1 सेब है और खाने वाला 10 है, कैसे बांटेंगे? काटी। अब ये बताओ, और अगर एक सेब एक आदमी को खिला दूंगा बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर 10 सेब में एक आदमी को खिला दू तो वो तो ज्यादा हो गया ना उसके लिए। लेकिन यहाँ एक सेब का खाने वाले कितने थे, यहाँ 10 सेब खाने वाले कितना है? यही बात इसमें होती है। यहाँ आदमी एक ही है लेकिन पैसा बहुत है, 1 करोड़ एक आदमी को दे दो सीधा, लेकिन यहाँ पर आदमी बहुत है पैसे कम। तो आईएमसी सीधा 1 करोड़ तो नहीं बच सकती थी एक आदमी को, तो आईएमसी नेटवर्क को बांटती है, करोड़ों में जितना भी बच रहा है एडवर्टाइजमेंट जितना बचा रही है वो कंपनी बांटती है इसके फॉर्म, सीधा पैसे के फॉर्म में नहीं बांटती आईएमसी, बांटती है बिजनेस फॉर्म। ये होता है बिजनेस वॉल्यूम। इस तरीके से बताओ बिजनेस वॉल्यूम का, क्योंकि यार आदमी समझ नहीं पाता कि पॉइंट्स होता क्या है भाई, पॉइंट्स आया कैसे। दूसरी बात यहां पर समझ आया, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि आईएमसी का जो एसोसिएट प्राइस होता है ना, जैसे ये तुलसी है, इसका एसोसिएट प्राइस कितना है?
इसका 30% लगभग 40% जो होता है ना वही बीवी होता है, निकाल देते हैं इसका 40% निकाल, लगभग 56 रुपये आया, लगभग बोला था मैंने, लगभग अप्रॉक्स कितना आएगा गिन लो, 140 का 14% निकालो, 40% निकालो मोबाइल से बताओ मुझे, 140% एक सौ चालीस है ना, ₹50,000 तो सबको पता ही होगा, लिखना है कि बताऊं, पता है सबको, देखो सर कंपनी में जो लेवल होता है वो 10% से स्टार्ट होता है और 50% पे खत्म होता है, अब वो हो गया 52 हो गया, लेकिन अपन बात करेंगे 50% की, फिर कहां तक होता है सर लास्ट और स्टार्टिंग 10%। अब क्या है जैसे 2 का पाड़ा होता है 3 का पाड़ा तो फिक्स होता है 2 2 2 2 2 4 ही होगा, वैसे एक कंपनी में 10% अगर करना है तो 1000 एक बीवी करना पड़ेगा, 30% अगर लेना है तो 7500 एक ही करना पड़ेगा, 25% लेना है तो 25000 एक करना पड़ेगा, 30% लेना है तो 75000 एक करना पड़ेगा, और 35% लेना है तो फिर लागे करना। अब ये करना कैसे सुनना, एक बिजनेस वॉल्यूम होता है लगभग 2.5 से 3 रुपए के बीच में, अब पैसे की बात हो 2.5 रुपए लेके चलते हैं, 1000 का रुपए कितना हो गया लगभग 2500 रुपए, यानी कि 2500 से 3000 के बीच में आपने शॉपिंग कर ली तो आपका लेवल कितना हो जाएगा, 1 कितने मिलेंगे, अब रुपए से कन्वर्ट कर लेना, 2.5 रुपए से कन्वर्ट कर लोगे इसको। अब इसमें क्या है, जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करोगे उसका आपको मिलेगा पॉइंट, हर प्रोडक्ट का अलग पॉइंट, इस पे 55 पॉइंट मिलेगा, इसमें 125 मिलेगा, वैसे हर प्रोडक्ट पे इस पे 35 या 35 मिलता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग बिजनेस पॉइंट मिलता है, जैसे जैसे आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा तो आपका लेवल कितना हो जाएगा कंपनी में 10%, और आपकी जो पहली इनकम स्टार्ट हो जाएगी वो क्या बनाएगी पर्सनल इनकम स्टार्ट, जैसे कि आपका 10% लेवल हो चुका है, अब आपने 100 बिजनेस वॉल्यूम का सामान भी हो गया तो उसका आपको 10% आपके फॉलो चल जाएगा, तो ये हो गई हमारी पर्सनल इनकम जो मैंने खुद की आईडी पर परचेज की। अब दूसरी जो इनकम देती है कंपनी वो देती है डिफरेंस इनकम, डिफरेंस इनकम क्या होता है, ये है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि आपको बनाना पड़ेगा नेटवर्क, यानी कि आप जो अपनी टीम में लोगों को ज्वाइन करोगे उनका पैसा भी आपको मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा, जैसे मैं हूं 50% पे हूं, ठीक है, अब मैंने अपने से 4 बंदे जोड़ दिए, मैं एक बंदा ये सब 50% पे आया हूँ, मैं तो सब काम करके नेटवर्क बना के आया हूँ, तो मैं मानता हूँ कोई 44 पे है, चलो कोई मानता हूँ 35 पे है, कोई 30 पे है, कोई 25 पे है, कोई 20 पे, ऐसे मानते हैं, इनकी टीम में 10 बंदे, इनकी टीम में 5 बंदे, इनकी टीम में 3 बंदे, इनकी टीम में 2, क्योंकि भाई बिजनेस वॉल्यूम है तो सबके साथ सबका ही आएगा मेरे पास। अब इनकी पूरी टीम से 10 बंदों से मान लो या 1 बंदों से मान लो 200 बंदों से आया मेरे पास 15,000 में पूरी टीम से आया, अभी जो पॉइंट आते हैं ना सर वो पूरी टीम से मिलते हैं, यानी कि जैसे मान लो कि मैं हूं, मैंने जैसे मैं 2 बंदे लगाए, इन दोनों बंदों ने काम नहीं किया, लेकिन उन दोनों ने मुझे दो दो एक एक बंदे दे के चले गए, इन लोगों ने काम तो नहीं किया लेकिन मुझे बंदे दे के चले गए, अब इनसे मैं मानता हूँ कि इनने 3000 का शॉपिंग किया, कितना बिक मिलेगा इसमें 1000 एक, यानी कि मुझे 1000 एक बीवी करवा दिया इनको और इनको, ये थे किसके नीचे, इनका लेवल कितना बनेगा, 7 इनका भी बन जाएगा 10% इनका भी बन जाएगा, अब ये थे किसके नीचे,
1000 1 + 1000 कितना हुआ, मुझे मिलेगा 2000 और मैं किसके लिए था, मैं जिसके लिए हूँ उनको मिल जाएगा। तो ये जो प्लान जो बिजनेस वाले होता है वो नीचे से टॉप पर जाता है। तो आपके नीचे जितने बंदे हैं, 1 बंदे 2 बंदे 20 बंदे, तो जितने बिजनेस वाले को करेंगे सबका काउंट होके उनको मिलेगा, प्लस कितने मिलेगा और प्लस ऊपर जाएगा। तो जो 10 बंदे हैं मैं मानता हूँ 10 बंदों से कितना है अपना, ये किसको मिलेगा और मेरा तो काउंट हो गया होगा। वैसे इनसे मानते फिर 10, इनसे मान 5 और इनसे मानते 3। अब मैंने बात किसी की थी डिफरेंस, मतलब कितना डिफरेंस है 15% का, तो यानी कि इस 15,000 बीबी का 15% मुझे इनसे मिल जाएगा। एक ऐसे एक कितना डिफरेंस है 20%, तो 1,000 मुझे इनसे मिल गया, 5,000 उससे मिल गया और 3,000 बीबी का 30% मुझे इनसे मिल गया। इसे बोलते हैं डिफरेंस। आया दो इनकम होगी समझ में। अब इसमें क्या था? क्या था? क्या आ गया इसमें 35% इनकम भी आ गई। इसमें डिफरेंस इनकम क्या होता है ये समझा दिया, टीम से पैसा कैसे मिलता है वो समझा दिया। जो तीसरी इनकम कंपनी देती है वो देती है लीडरशिप बोनस। वो देती है 13%। अभी देती कैसे है, कंपनी में आपको यहां पहुंचना है, कहां पर पहुंचना है क्या बोलते हैं हम, सुपर स्टार ने 2-4 महीने पहले ये बोल दिया कि आपको 35 वालों को 2% रॉयल्टी अलग से देगा और 2% रॉयल्टी ओनली उनको ही मिलेगी, 35 वालों को ही मिलेगी, उससे ऊपर वालों को नहीं मिलेगी। अब वो मिनिमम अगर 3,000 आती है तो 10,000 प्लस 3,000 आप डिफरेंस भी कमा लिए, पर्सनल भी कमा लिए, प्लस 2% रोल टेलर्स। तो ये 3 प्रकार की इनकम कमा मिलती है अपन को। लेकिन उसके आगे क्या करना है, पहले क्या बनना है आपको, उसके बाद आपने टीम में बनाना है, पहले खुद बनो नीचे बनाओ, ये काम करना है। आपने जैसे जैसे 35 आपने नीचे बढ़ा दिए आपका लेवल अपने आप बढ़ता रहेगा। 1 बढ़ाओगे 13, 2 बढ़ाओगे 41, 4 बढ़ाओगे 44, 6 बढ़ाओगे 47, 8 बढ़ाओगे 50, यानी कि 2 का टेबल बढ़ना है 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16 ऐसे चलेगा। तो आपको 8 बनाना है अभी तक। अभी आपको अपने डॉलर कितने बनाने, तब जाके आप पहुंचोगे यहाँ पे, ये बात। बाकी अपन यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, अपन बात करते हैं यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया ना। 2% इसको मिलती है ओनली सुपर स्टार। अब ये लीडरशिप बोनस क्या होता है, लीडरशिप बोनस क्या होता है, आपने 35 पहुंच गए, अब आपको अपनी टीम में क्या बताना है, अपनी टीम में क्या बताना है आपको 35, आप जितने 35 पहुंचाओगे अपनी टीम में तो उनसे आपको ये तो मिलना ही मिलना है, प्लस उनके काम करने का 13% अलग से मिलेगा। लेकिन वो स्टार्टिंग में ही नहीं मिलेगा 13%, 5 मिलेगा, फिर 3% ऐसे करते करते, पहले 5 मिलेगा, फिर 5 + 3 और मिलेगा 8 मिलेगा, फिर 3 और मिलेगा, ऐसे बढ़ेगा 13%। स्टार्टिंग आपके यहां से होगी 5%, फिर प्लस 3% और हो जाएगा, प्लस 2% ऐसे हो जाएगा, ऐसे करते करते आप ऐड होगा। यानी कि डिफरेंस अगर मान लो आप 50 पे हो, नीचे वाला 35 पे है, तो 15% तो आपने डिफरेंस कमाया उससे, प्लस 5% आपने क्या कमा लिया। और अगर आपके नीचे ऐसे 8 बंदे 35 पे हैं और आप कितने पे हो 50 पे, यानी कि 15 × 8 ये हो गया, प्लस 5 × 8 ये हो गया, समझे, यानी कि डिफरेंस भी हो गई और 5% क्या हो गई। और जितना आपके नीचे 35 आएंगे वो बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। तो ये लीडरशिप बोनस होता है। अब रॉयल्टी की बात करता हूं, जो सबसे बेहतरीन इनकम है IMC कंपनी में रॉयल्टी, ये मिलती है आपको कंपनी में 15% और 50% तक मिलती है ये ओनली 10%। मैं बात करूंगा ओनली 10% की, मुझे कितनी मिलती है 10%। ये रॉयल्टी ऐड होती है 35 के बाद, 2% तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो इसमें जो 13% रॉयल्टी बची, दो तो घटा दो, कितनी बची 13%, दो तो मिल गई 35 के आपको। अब 13 की बात करूंगा,
जो ये रॉयल्टी 13% मिलती है वो मिलती है आपको 35 के बाद। पहला लेवल आप गेम ओवर लेवल लोगे 38% का, उसके लिए आपको अपने नीचे क्या बनाना पड़ता है, एक सुपर स्टार। आपका क्या फंड स्टार्ट हो जाएगा, कितना 2%। उसके बाद आप लेवल अचीव करते हो 41, उसके लिए कितने सुपर स्टार, अभी अलग से दो नहीं एक था एक को निकालना, उसके लिए आपके पास कौन सा फंड आएगा, तीसरा 44, उसपे कितने सुपर स्टार, चार, दो थे दो और, उसपे कौन सा फंड आएगा, कार फंड 2%। चौथा जो आएगा वो आएगा 47, इसके लिए 6 सुपर स्टार, उस पे आएगा आपका हाउस फंड 2%। और जो लास्ट 10% की बात कर रहा था मैं, 50%, उसके लिए 8 सुपर स्टार, और जो लास्ट अपना जो आएगा चेयरमैन फंड 2%। कितना हो गया, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसको बांटने का तरीका देखना, ऐसा लगता है ये कौन को मानता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में स्टार्टिंग में ही जुड़ने में पैसा आता है बाद में क्या, कितने लोग ऐसा मानते हैं, कोई इससे पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रही है, इससे पहले किसी ने, किसने किए, मतलब कौन कौन ऐसा मानता है बताओ, मैं सही से हाथ उभर करके, कौन कौन ऐसा मानता था या मानता है, मानते थे और कोई, अच्छा मैडम आप क्यों मानते थे, मुझे लगता है कि शुरुआत में वो अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं, बाद में सब मिलावट वाले होते हैं, और नए नए सारा पैसा कमा लेते हैं। और आईएमसी में ऐसा क्या, आईएमसी में हुआ ऐसा, अभी तो कह सकती हो तो। अच्छा तो नए हो अभी तक, आपको कितना महीना हो गया, मतलब अभी जो महीना हो गया 4-5 महीना, तो आपके प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी में चेंज दिखा मैं मेरे, नहीं देखा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, जब नया बंदा जुड़ेगा पुराना बंदा जुड़ेगा, अगर आईएमसी 10% रॉयल्टी 50% वाले को देगी तो पुराने वाले को कितने देगी, अब इसमें देखना रॉयल्टी बांटने का तरीका देखो, आईएमसी ने जो वो बोलते हैं ना आई यानी नेटवर्क मार्केटिंग करने के पहले जुड़ोगे तो ज्यादा कमा लोगे, उसको देखो आईएमसी ऐसी पहली कंपनी है जो नीचे को पैसा बांटती है, ऊपर तो अपना मिलेगा लेकिन बांटती कहां से है नीचे से, क्योंकि बंदो जो बिजनेस नया बंद हुआ है, अगर नए बंदे कमाएंगे तो पुराने बंदे कहां से कमाएंगे। अब कंपनी ने जो रॉयल्टी बांटने का सिस्टम किया है ना, इसमें देखो इसमें कंपनी बोलती है, आपको सबको पता है जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा रॉयल्टी मिलेगी, यानी कि अगर आज आप 8 घंटे काम कर रहे हैं आदमी जॉब में, अगर 10 घंटे करेगा तो उसको पार्ट टाइम मिलता है ना, तो आईएमसी में जो ज्यादा हार्ड वर्क करेगा उसको ज्यादा रॉयल्टी मिलेगी या ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन आईएमसी क्या कर रखी है कि भाई जितना भी काम करो आप, जैसे मैं 10 लाख का काम कर रहा हूँ, 2 लाख का काम कर रहे हैं, कितना अंतर हुआ काम में, 8 लाख का, लेकिन भाई अगर सर सुपर स्टार ऊपर है, सुपर स्टार से ऊपर है तो 80% रॉयल्टी तो दोनों में बराबर कटेगी, कितनी, अगर मानता हूँ ट्रेवलिंग फंड कंपनी का 100 करोड़ कंपनी रख दिया ट्रेवलिंग फंड, कि भाई ये मुझे ट्रेवलिंग फंड जितने भी आईएमसी में ट्रेवलिंग फंड देने वाले हैं उनमें मुझे बांटना है, कितना 100 करोड़ बांटना है, तो 100 करोड़ में 80 करोड़ तो कंपनी बराबर कटेगी। एग्जाम्पल लिया मैंने, 100 लेने वाले हैं, बहुत से लेने वाले सबको पता है, एग्जाम्पल लिया अगर 100 करोड़ का 80% निकालो तो कितने करोड़ जाएंगे सबके पास, एग्जाम्पल है 80% तो कंपनी सबको, यानी कि अगर सर के हाथ में 3000 रॉयल्टी आ रही है तो मिनिमम तो मेरे भी 3000 आनी ही आनी, चाहे सर से मैं ऊपर लेवल पे हूँ या नीचे लेवल पे हूँ, मैंने सर से ज्यादा काम किया सर ने मुझसे ज्यादा काम किया, लेकिन 80% तो बराबर बांटूंगा, और 20% बांटूंगा किसके हिसाब से, आपके काम के हिसाब से। ये कंपनी ऐसी इकलौती कंपनी जो नीचे से पैसा बांटती है, अगर आज मैं अभी नया सुपर स्टार सिल्वर स्टार बनाऊ 38 बनाऊ नया, तो अगर मुझे ट्रैवलिंग फंड 3000 मिलेगा तो मिनिमम सबको 3 मिलेगा ही मिलेगा, अगर मुझे 4 मिलेगा तो मिनिमम सबको 4 मिलेगा, बाकी किसके हिसाब से, काम के हिसाब से। वैसे ही सुपर स्टार में क्या होता है, 70% कंपनी बांटती है मिनिमम और 30% बांटती है काम के हिसाब से। अब दूसरी बात खास बात सुनना, अगर आपका ट्रैवलिंग फंड 4000 आता है, मान एग्जाम्पल के लिए अगर आपका ट्रैवलिंग फंड कितना है तो ये उसके ऊपर ही आएगा नीचे नहीं आएगा, मान लो ये 4 नहीं है 3000 नहीं, ये 4 है तो 5 आएगा 6 आएगा 7 आएगा, लेकिन उससे कम नहीं है, अगर एग्जांपल के लिए 7000 आएगा कितना, 70% बराबर बढ़ेगा 30%
काम के हिसाब से। इसमें क्या होता है 60% बराबर बांटती है उनकी, प्लस 40% किसके हिसाब से, और इसमें भी रॉयल्टी आगे बढ़ती है, ये मानते 10,000 रुपये। इसमें कंपनी बोलती है 50% बराबर और 50% काम के हिसाब से, इसमें भी आपका लगभग 12 से 15,000 रुपये आता है, तो 12 मानते हैं। और हाउस फंड की बात कहता है चेयरमैन फंड, इसमें भी कंपनी कितना बांटती है बराबर और काम के हिसाब से कितना, और ये आपके लक्ष्य आएगा लगभग 20,000 रुपये। रोल्टी बढ़ रही है घट रही है, अब एक बार रोल्टी चेंज करो तो कितनी होगी, एग्जाम्पल दे दिया 4+7 कितना हुआ, 4+7 11+10 21+12 33+20 53,000, तो क्या गई आपकी रोल्टी। और लीडरशिप बोनस अगर आप 10,000-15,000 मानते हो और डिफरेंस इनकम 15,000-30,000 मानते हो, आप ये लो कितना हो गया, ये इनकम आईएमसी देती है 1 से 1.5 साल में, अगर आप चेयरमैन को जितने साल में चेयरमैन बनो ये इनकम आपको मिलनी है। और ये इनकम इंक्रीज ही होगी, किस पूरी इनकम किस पे डिपेंड करती है, आपकी टीम पे, जितने ज्यादा आपके नीचे लीडर निकलेंगे उतना आपका बोनस बढ़ेगा। ये पूरा बिजनेस लीडरशिप बोनस का है, क्योंकि हम कंपनी क्यों बोलती है लीडर प्रमोट करो, क्योंकि लीडर का बिजनेस है, जितने टाइम टीम में लीडर होंगे इतनी रॉयल्टी लोगे, इतने लीडरशिप बोनस लोगे। आज ये देखो 53,000 तो कंपनी रॉयल्टी दे रही है, मेरे को पिछले महीने की रॉयल्टी थी वो 70,000 रुपए थी, नहीं 60,000 रुपए थी, 60,000 मेरी रॉयल्टी गई थी मात्र, मैंने 20,000 गई थी लीडरशिप बोनस और 30,000 के आसपास गई थी डिफरेंस। तो आप क्या दिक्कत है, 1.5 साल में अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया तो क्या दिक्कत है। तो ये आईएमसी का इनकम प्लान है, और लास्ट जो इनकम देती कंपनी वो देती है आरएबी, रॉयल एनुअल बोनस, साल में एक बार देती है, महीने में ऐड करती है और साल में लास्ट में एक बार देती है 31 मार्च को। जैसा मान लीजिए वो ही देती है 50% से स्टार्ट है, चेयरमैन से स्टार्ट करती है, जैसे मान लीजिए मैं चेयरमैन हूँ तो मेरे को महीने की कंपनी जो भी दे रही है, अगर एग्जाम्पल 30,000 महीने का दे रही है, तो 31 मार्च तक जितना ही बनेगा मेरा इस सब को छोड़ के, इन सब को छोड़ के जितना बनेगा वो देगी। अगर एग्जाम्पल जैसे 30,000 के मान के चलो 12 महीने का कितना हो गया 3,60,000, तो 3,60,000 मुझे साल क्या है 31 मार्च को अलग से मिलेगी, और जो मैं साल में 12 लाख कमाया वो अलग है, यानी 15 से 20 लाख रुपए एक साल में आदमी इस बिजनेस से कमा सकता है। आज आप अगर 10 साल जॉब कर रहे हो ना, और 10 साल में अभी जैसे मेरी पहली मीटिंग मुझे सर ने बताया, मैं 5 साल हो गए मुझे जॉब करते करते, ठीक है 5 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, 18,000 रुपए की मेरी इनकम है। मैंने बोला अगर आपको 30,000 रुपए जाना है तो ये बोलते 1,000 एक साल में इंक्रीज हो रही है, कितनी एक साल में 1,000, तो 12 साल में कितनी होगी 12,000, 12 साल में आप आईएमसी में काम पहुंचाओ। आज जितने भी सीपी है आईएमसी में जो महीने की 15-20 लाख कमाए उन सबको भी हुआ है 5 से 6 साल सीपी बने हुए, आईएमसी की तो लगभग होगी 8 साल मानते हैं एग्जाम, 8 से 9 साल हो गए, लेकिन इनकम कितनी है 15 से 20 लाख रुपए पर मंथ, और यहाँ देखो जॉब में कितनी है 30,000 रुपए। तो ये चेंज है सर, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आने वाला बिजनेस है, ये आपका डिसीजन, आपकी फैमिली आपके बच्चों का भविष्य चेंज कर देगी। जैसे आज मैंने अपना चेंज किया, मेरी फैमिली का भी चेंज हो रहा है, और क्या और जितना आप कमाओ उतना चेंज होगा। मुझे इतना पता है कि अगर आदमी 10 साल जॉब करके महीने की 30,000 कमा रहा है, तो आईएमसी वाला बंदा 10 साल करके खुद का हेलीकॉप्टर ले सकता है, ये आईएमसी पावर है बिजनेस। आज आप सब जानते हो प्रेम कुमार जी को दे दी गई है, उनकी आरएबी नाम से कितनी जाती है महीने साल की, ओनली आरएबी 4% कितनी जाती है पता है 2 करोड़ रुपए, ओनली आरएबी, उसके अलावा यानी कि 2 करोड़ हर महीने आ रहे उनके, मतलब एक साल में वो तो खर्च नहीं हुए पूरे साल यूज किए, तो 2 करोड़ कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे होंगे बंदे सोचो। और कितने साल हुए आईएमसी वालों को, 7 साल हुए मात्र, और आईएमसी से 20 करोड़ रुपए कमा चुके हो सर, ये पावर है बिजनेस। ये बिजनेस में आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है, बाकी बिजनेस में नहीं होता, जॉब में भी नहीं होता, जॉब में कभी पैसा मल्टीप्लाई होता देखा आपने, अगर आज आप 10,000 कमा रहे हो अगले साल 20,000 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आज मैं मुझे अगर गलत तो बताना, मुझे आज गवर्नमेंट जॉब में लास्ट हाईएस्ट इनकम 1 लाख रुपए, उससे ज्यादा कुछ हो सकती है क्या, या 2 हो जाएगी उससे ज्यादा नहीं है,
और अगर ऊपर से लेना वो अलग बात है, लेकिन एक वाइट जो इनकम होता है वो एक डेढ़ लाख ही उससे ज्यादा नहीं है। पीएम की इनकम देखना भी बताया एक लाख भी नहीं, एक हाईएस्ट इनकम होती है हाईएस्ट एक लाख, उससे ज्यादा नहीं होती। आईएमसी जितना सीपी जो कमाते है ना जो टीडीएस करता है उतना तो हाईएस्ट इनकम है, उतना तो टीडीएस देती है आईएमसी। तो सर ये बिजनेस की पावर प्लान सुन लिया आपको, इस तरीके से आपने पांच हिस्से में पूरा प्लान सुना दिया और रॉयल्टी पे इस पर फोकस करा था, क्योंकि जो रॉयल्टी बांटने का तरीका ना आईएमसी बहुत अलग है। ये बताओ ना आपने सबने बराबर काम किया नहीं किया, आपने सबने किसी ने छोटा काम किया मैंने ज्यादा किया, लेकिन 80% तो कंपनी दे ही बराबर, ताकि नीचे वाला उसको अच्छा मिल रहा है तो अलग को मिलेगा, लेकिन 20% इतना तो पटना ही चाहिए काम के हिसाब से। अगर सबको 100% दे देगी तो फिर धर्मेंद्र चौधरी जी प्रेम कुमार जी मेहनत दे देगा क्या मतलब होगा। तो ये प्लान है इस तरीके से करो। बाकी अगर आईएमसी में आए हो तो 5 साल देके आना, 5 साल लेके आना। आज मैं 19 साल का हूँ, मेरा लास्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, हुआ नहीं पूरा, अभी चल रहा है मेरा ग्रेजुएशन। मैंने इस बिजनेस में स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर, मैं बीएससी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम भी कर रहा हूँ, पता है आईएमसी तो चल मिली गई, पार्ट टाइम भी कर रहे हैं बीएससी। फर्स्ट ईयर में मुझे इस बिजनेस को मिला था मेरा, सेकेंड ईयर जब मेरा एग्जाम कम्प्लीट हुआ तो मैं चेयरमैन बना इस इनकम इस बिजनेस में, नहीं फर्स्ट ईयर का मैं एंडिंग हुआ तो मैं चेयरमैन बना इस बिजनेस में, और सेकेंड फर्स्ट ईयर कम्प्लीट होते ही मैंने 6 लाख की गाड़ी थी, और सेकंड ईयर की एग्जाम में कंप्लीट हुआ 20 लाख की गाड़ी। अब सोच रहा हूँ थर्ड ईयर का एग्जाम कंप्लीट करते हुए एक गाड़ी ले लेता हूँ। तो ये पावर है बिजनेस की। आज स्टूडेंट हो, उम्र कोई सी भी हो, आपके सपने मायने रखते हैं, आपका ये नहीं लगता कि भाई आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बिजनेस सबसे ईजी बिजनेस में मानता हूँ, इस बिजनेस सबसे ईजी बिजनेस करना क्या है, माल पब्लिसिटी तो करना है। आज आप मूवी देखते हो, सब देखते हो मूवी, आज हम फालतू बोलते हैं ये मूवी देखिए अच्छी रहेगी, आपको मूवी का कोई पैसा थोड़ी दे रहा है, लेकिन आईएमसी ये मौत पब्लिसिटी का बिजनेस है।